जीवन का गणित। एक राजा सुबह सैर करने के लिए महल से अकेला ही निकला। रास्ते में उसने एक किसान को पसीने में तरबतर अपने खेत में काम करते हुए देखा। राजा ने पूछा, भाई आप इतनी मेहनत करते हो, दिन में कितना कमा लेते हो? किसान ने उत्तर दिया, 1 सोने का सिक्का। राजा ने पूछा, उस सोने के सिक्के का क्या करते हो? किसान ने कहा, राजन 1/4 भाग मैं खुद खाता हूँ, 2/4 भाग उधार देता हूँ, 3/4 भाग से ब्याज चुकाता हूँ और बाकी 1/4 हिस्सा कुएं में डाल देता हूँ। किसान की बात राजा की समझ में ना आई। वह बोले, भाई पहेली मत बुझाओ, साफ साफ बताओ। किसान ने मंद मंद मुस्कुराकर कहा, महाराज 1/4 भाग में से मैं अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता हूँ, 2/4 हिस्से में मैं अपने बाल बच्चों को खिलाता हूँ, क्योंकि बुढ़ापे में वे ही हमें पालने वाले हैं, 3/4 भाग से मैं अपने बूढ़े माँ बाप को खिलाता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए मैं उनका ऋणी हूँ, इस प्रकार उनका ब्याज चुकाता हूँ, बाकी 1/4 हिस्से को मैं दान पुण्य में लगा देता हूँ, जिससे मृत्यु के बाद परलोक सुधर जाए। राजा किसान की ईमानदारी पर बहुत खुश हुआ और जीवन का यह गणित उन्हें भी समझ में आ गया।